नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल फिल्मी आदमी पर, और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अनंत। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आमिर खान को इस समझ में आ गया कि केजीएफ से टक्कर लेना कितना ही घातक हो सकता है, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की डेट खिसका के 11 अगस्त 2022 कर दी। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि एक उड़ती खबर आ रही है कि शाहिद कपूर भी अपनी रिलीज डेट आगे खिसका सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपनी रिलीज डेट 14 अप्रैल 2022 कर सकते हैं अपनी फिल्म जर्सी की। और मैंने अपनी बहुत बड़ी रिसर्च टीम, जिसमें सिर्फ मैं ही हूं, के मदद से ये पता लगाया कि भैया ये 100% सच बात है। शाहिद कपूर और फिल्म जर्सी के मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब जर्सी फिल्म जो है वो केजीएफ के साथ ही रिलीज होगी 14 अप्रैल 2022 को, साथ साथ में थालापति विजय की बीस्ट तो उस दिन है ही। तो भैया मेरे हिसाब से तो शाहिद कपूर का ये डिसीजन, जर्सी के मेकर्स का डिसीजन, शाहिद कपूर के कैरियर का सबसे गलत डिसीजन ना बन जाए, यही मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि इस केजीएफ के ब्रांड से टकराने में आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार भी पीछे हट गए, तो शाहिद कपूर तो अभी भी थोड़े यंग जनरेशन के, उनको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जर्सी के मेकर्स ने अगर ये गलती की है, ये बेवकूफी की है, तो ये क्यों की है, केजीएफ के सामने पड़ने की गलती क्यों की है, इसके कुछ कुछ रीजन मुझे समझ में आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्सी जो फिल्म है वो हिंदी रीमेक है ओरिजिनल फिल्म जर्सी, जिसमें सुपरस्टार नानी थे, वो 2019 में रिलीज हुई थी, उसी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, इसमें शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर नजर आने वाले। तो ये जो थी जर्सी फिल्म, ये ओरिजिनली रिलीज होने वाली थी 31 दिसंबर 2021 को, मतलब साल के आखिरी दिन ये रिलीज होने वाली थी, प्रमोशंस भी उसी हिसाब से किए गए थे, लेकिन तभी ओमिक्रॉन भाई साहब आ गए और इस फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई अनिश्चित काल तक के लिए। लेकिन जर्सी के मेकर्स को ये पता नहीं था कि उस समय पुष्पा जब रिलीज हुई, तो पुष्पा के रिलीज के बाद साउथ की फिल्मों का इतना गजब माहौल बन जाएगा पूरे भारतवर्ष में, और बॉलीवुड के प्रति लोगों की इतनी नेगेटिव इमेज हो जाएगी, ये जर्सी के मेकर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो अगर पुष्पा सफल नहीं होती तो हो सकता है जर्सी को इस समय रिलीज करने को सफलता मिल भी जाती, लेकिन पुष्पा के रिलीज के बाद खासतौर पर भारतीय दर्शकों का हिंदी बॉलीवुड की रीमेक्स के प्रति जो बहुत ही एक गलत इमेज बनी है, नेगेटिव इमेज बन गई है, उसके चक्कर में अब जर्सी को यहां पे नुकसान होगा। तो मेकर्स ने यही डिसाइड किया, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये उन्हें फिल्म को असफल हुई ये बताने के लिए एक बहाना मिल गया कि भैया हम जो है केजीएफ के सामने गए, इसलिए हमारी फिल्म जो है फ्लॉप हो गई या असफल हो गई, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल फिल्म जो जर्सी है, जो नानी की है, वो यूट्यूब पे गोल्डमाइंस के चैनल पे फ्री में उपलब्ध है हिंदी डबिंग में। तो भैया जब हिंदी डबिंग में ओरिजिनल पिक्चर उपलब्ध है, तो उसकी रीमेक देखने के लिए कोई क्यों जाएगा सिनेमाघरों में। तो लगभग जब सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई दिए जर्सी फिल्म के मेकर्स को, तब उन्होंने डिसाइड किया कि भैया चलो अब तो कहीं से कभी भी रिलीज करें, इमेज बॉलीवुड की अभी फिलहाल थोड़ी खराब चल रही है, तो अगर रिलीज करेंगे और क्योंकि रीमेक है तो नुकसान होना ही है, इसलिए हम किसी ऐसे बड़े ब्रांड के आगे इसको डाल देते हैं, जिससे हमें यह बहाना मिल जाए और हम बोल सकें कि भैया ये इतने बड़े ब्रांड के साथ टकराई थी इसलिए असफल हो गई। इससे एक और फायदा भी होगा, उन्होंने ये साबित करने मिल जाएगा कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट था कि हम केजीएफ से टकरा गए, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम सभी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत एक गलत डिसीजन है, शाहिद कपूर के कैरियर को ये नुकसान पहुंचा सकता है जर्सी फिल्म को केजीएफ के साथ रिलीज करना, और हम सब जानते हैं कि क्या हाल होने वाला है जर्सी का। जबकि इसे ओटीटी के जरिए, अगर शाहिद कपूर की फैन बेस ओटीटी में भी बहुत है, ओटीटी के जरिए इसे सीधा रिलीज करके डायरेक्ट दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी इसे सिनेमाघरों में केजीएफ के सामने डाला जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है उतनी ज्यादा सफल होगी। आप बताएं आपका क्या रिएक्शन है इस पे कि जर्सी की डेट केजीएफ के साथ रिलीज करना जर्सी को कितना सही है, क्या इससे शाहिद कपूर के कैरियर पर नुकसान पड़ सकता है, और इसे क्या ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज भी किया जा सकता था। अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल ही जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं हमेशा की तरह। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।